अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने कम्बिनेशन का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करना है, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें बता दूं और फिर एक नया थोड़ा टॉपिक बताना है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं बाकी चीजें। यार देखो, सबसे पहली चीज जो हमने 7.2 भी की है परमुटेशन वाली, उसमें सवाल तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों के जहन में आ सकता है कि एक्सरसाइज परमुटेशन की थी, लेकिन हमने परमुटेशन यूज ही नहीं की, हम तो यूज ही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कर रहे थे इतना। तो ये जहन में रखना, परमुटेशन हमने दो फॉर्मूले ज्यादातर यूज किए, पहला वाला बेसिक फॉर्मूला यूज ही नहीं किया हमने परमुटेशन का। कौन से दो फॉर्मूले? एक अलाइक वाला था कि जब सेम चीजें अलाइक होती हैं आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, दूसरा टेबल के अराउंड में हमने परमुटेशन यूज की थी, और बाकी जगह परमुटेशन का मेन फॉर्मूला हमने यूज ही नहीं किया था। देखो कॉन्सेप्ट ये कि परमुटेशन है ही पूरा प्रोडक्ट प्रिंसिपल, हर चीज परमुटेशन का फॉर्मूला प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है, तो दैट्स वाई जहां पे जरूरी होती है ना परमुटेशन, और वो ऐसा केस नहीं है, आप परमुटेशन के सारे सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। इसी तरीके से आप कम्बिनेशन के सारे सवाल भी प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, बस प्रोडक्ट प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी? जितनी चीजें आपने सेलेक्ट किया उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे आता है, कि जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो बिल्कुल कम्बिनेशन भी आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, बस मॉडिफिकेशन क्या करनी है, जितनी चीजें आपने सेलेक्ट की हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काम करने से बेहतर है कि हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें मजा नहीं आता, खूबसूरत नहीं बनेगा, और इतना हमें मजा नहीं आएगा जितना हमें कम्बिनेशन यूज करते हुए आएगा। प्रोडक्ट प्रिंसिपल परमुटेशन में बड़ा काम का था, आराम से आप कर सकते थे, और हर सवाल आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल में जो परमुटेशन का सवाल था वो हर सवाल उसके फॉर्मूले से नहीं हो सकते, अगर रिस्ट्रिक्शंस आ गई आपको प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई 7.2 में मैंने हर सिचुएशन में प्रोडक्ट प्रिंसिपल को ही प्रेफर किया है। ऑल तो ऐसी कितनी सिचुएशन है जहां पे आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जरा बता देता हूँ आप लोगों को, एक दो सवाल तो मेरे जहन में है लेकिन मैं और ही बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। यार फॉर एग्जाम्पल डिजिट्स की बात की जाए अगर, तो डिजिट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल दूं कि यार चार डिजिट है 2, 4, 5, 6, आपने इनसे 3 डिजिट के वर्ड्स बनाने हैं, 3 डिजिट के वर्ड्स बनाने, 4 डिजिट की बने, तो आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कैसे करते थे? आप कहते थे कोई भी 4 आ सकते हैं, कोई भी 3 आ सकते हैं, कोई भी 2 आ सकते हैं। अभी मैं परमुटेशन की बात करूं तो डेफिनेटली रिपीटेशन अलाउड का तो कोई सीन ही नहीं है, नॉर्मल परमुटेशन में कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर इसका क्या आ जाएगा? 24। ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल का काम है, सेम आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हो। 4 में से 3 की अरेंजमेंट आपको पता है क्या हो जाएगा? 4p3। n ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट है, कितने आपको करने हैं? 3 करने हैं सेलेक्ट, तो r3 हो जाएगा। तो 4p3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, जो के बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 1, मतलब 24 के बराबर है। तो कहने का मतलब है यही सवाल आप परमुटेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे इजी लग रहा है, सामने समझने में आसानी है, 7.1 आप कर आए थे तो मैंने आसानी से करवा देता। इसी तरह है, जितने फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट है और 4 डिजिट का ही नंबर आपको बनाना है, तो परमुटेशन में क्या होगा? 4 डिजिट है और 4 का ही बनाना है, 4p4, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, जिसको मैंने आप लोग को प्रोडक्ट प्रिंसिपल में क्या बताया था? n फैक्टोरियल। क्या अगर 4 डिजिट है, 4 डिजिट का ही आपको बनाना है, तो ये पूरा 4 फैक्टोरियल बन गया फॉर्मूला। पहले भी 4 फैक्टोरियल बनना था, लेकिन उसमें भी 24 आ रहा था, इसमें भी 24 आ रहा था, क्योंकि 4p4 आप करो या 4p3 करो, आंसर दोनों के 24 ही आएंगे। इसी तरह अगर आप 5p5 करो, आंसर 5 फैक्टोरियल है, आप 5p4 करो, अब आंसर क्या होगा? वही 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब अगेन जो आंसर है वो आपका 5 फैक्टोरियल आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सवालों को आप परमुटेशन से कर सकते हो, लेकिन हर सवाल परमुटेशन के फॉर्मूले से नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन जब इन्वॉल्व हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर आना है, इवन नंबर आपको बनाने हैं, परमुटेशन के फॉर्मूले को दूर दूर तक नहीं पता कि इवन नंबर के लिए क्या करना है आपने, फिर दोबारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल पर जाओगे। तो ये रीजन है जिसके तहत मैंने प्रोडक्ट प्रिंसिपल को ही प्रेफर किया है। 7.3 ऑनवर्ड मैं नहीं प्रेफर करूंगा 7.3 में, क्योंकि कम्बिनेशन का फॉर्मूला काफी ईजी होता है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, लंबा होगा, इससे बेहतर हम कम्बिनेशन ही यूज कर लेंगे। तो एक तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो परमुटेशन से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूं, और वो कॉन्सेप्ट होता है डीरेंजमेंट का। अबे डीरेंजमेंट का क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है अरेंजमेंट और एक होता है डीरेंजमेंट। अरेंजमेंट इज परमुटेशन, डीअरेंजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 लेटर कंसिडर करता हूं, ए बी सी,
आप ये समझ लो इनकी नेचुरल पोजीशन क्या है। नेचुरल पोजीशन अगर आप ऑर्डर वाइज देखो, कभी आपने एबीसीडी ऐसे पढ़ी है कि सी बी ए? नहीं, आप क्या बोलते हो? एबीसी। नेचुरल पोजीशन क्या है कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ये इनकी नेचुरल पोजीशन है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूं तीन नंबर है 3 1 2, तो इनकी नेचुरल पोजीशन क्या है? इनकी नेचुरल पोजीशन है 1 2 3। 3 1 2 नहीं होगी नेचुरल पोजीशन, तो ये इनकी नेचुरल पोजीशन है। तो डिरेंजमेंट क्या होता है? डिरेंजमेंट ये होता है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए। फॉर एग्जांपल, मैं पहले इसकी अरेंजमेंट निकालता हूं। पहली अरेंजमेंट ये है, दूसरी होगी एसीबी, तीसरी होगी बीएसी, फिर बीसीए, फिर सीएबी, फिर सीबीए। ये 6 परमुटेशन है, 6 अरेंजमेंट है। इसमें से डिरेंजमेंट कितनी? अच्छा, कोई भी अगर अरेंजमेंट है वो डिरेंजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अरेंजमेंट एक जनरलाइज वर्ड है कि चीजों को आपने अरेंज करना है, बस दैट्स इट। लेकिन डिरेंजमेंट जो है वो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। वो कंडीशन क्या, उसको जरा देख लो। ये 6 अरेंजमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई, लेकिन इसमें से 2 डिरेंजमेंट है। 2 डिरेंजमेंट का मतलब ऐसी 2 अरेंजमेंट है यहां पे जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, ए की नेचुरल पोजीशन ये वाली है, पहली वाली, बी की दूसरी वाली, सी की तीसरी वाली। सबसे पहली बात अगर आप किसको देखो, इस वाली को देखो, नहीं इस वाली को नहीं, ये देखो आप इसको जरा गौर करो। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। बी पहली पोजीशन पे, हालांकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 2। सी दूसरी पोजीशन पे, हालांकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 3। ए तीसरी पोजीशन पे, हालांकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 1। इसका मतलब ये तीनों अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। तो एक ये डिरेंजमेंट हो जाएगी। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी सीएबी। सी को तीसरी पे होना चाहिए पहली पे, ए को पहली पे होना चाहिए दूसरी के अंदर है, और बी को दूसरी पे होना चाहिए, बी तीसरी पे। तीनों अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये दूसरी अरेंजमेंट। बाकी पे अगर आप देखोगे तो तीनों अलग अलग नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, अगर आप इसमें देखो सी और बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, लेकिन ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये डिरेंजमेंट नहीं है, ये जस्ट अरेंजमेंट आप बोलोगे। इसी तरह बी ए सी को देखो, इसमें सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो अगेन ये डिरेंजमेंट नहीं होगी। डिरेंजमेंट का मतलब कि सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना हो। इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो बी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये भी डिरेंजमेंट नहीं है। और ये तो डिरेंजमेंट आप इसको बोलोगे नहीं, ये तो पहली अलग नेचुरल है, तो नेचुरल में डिरेंजमेंट कैसे हो सकती है? डिरेंजमेंट तो होती हो कि नेचुरल पोजीशन पे ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब 3 ऑब्जेक्ट की आप डिरेंजमेंट निकालते हो तो कितनी आती है? 2 आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2 ऑब्जेक्ट है, इसकी अरेंजमेंट कितनी है? एक ही अरेंजमेंट है और एक ही अरेंजमेंट है। इन दोनों अरेंजमेंट में एक जो है वो डिरेंजमेंट है, ये वाली, क्योंकि इसमें बी भी और ए भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, अपने नेचुरल पोजीशन पे नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट 1 2 3 के साथ भी है। 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें भी क्या होगा कि डिरेंजमेंट इसकी 2 बनेंगी। इसको आप इस तरह समझ लो कि ये मैंने एग्जाम्पल बनाई थी ईद पे बैठ के, कि अगर आपको कोई ईदी दे रहा है और वो कोई फॉर एग्जाम्पल कंजूस है कोई, तो 50 100 500, हमारे एग्जाम्पल अमीर हो गया, 500 हो गया, तो आप कंसीडर कर लो एक बॉक्स है आपको। फॉर एग्जाम्पल ईदी मिल रही है, कोई अगर आपको 50 का नोट दे रहा है तो आप 50 के बॉक्स में रख रहे हो, कोई आपको 100 का नोट दे रहा है आप 100 के बॉक्स में रख रहे हो, कोई आपको 500 का नोट दे रहा है आप 500 के बॉक्स में रख रहे हो। अब ऐसी आप निकालो अरेंजमेंट कि जिसमें कोई भी नोट अपने सही वाले बॉक्स में ना जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है 50 का, एक है 100 का, एक है 500 का। तो एक तो अरेंजमेंट ये है कि 50 वाले बॉक्स में 50 का नोट डालो, 100 वाले में 100 का, 500 वाले में 500 का। दूसरी अरेंजमेंट क्या है कि 50 वाले में 50 का डालो, 100 वाले में 500 का डाल दो, और 500 वाले में 100 का डाल दो नोट। ये भी अरेंजमेंट है, डिरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। इसी तरह एक और अरेंजमेंट क्या होगी कि 50 वाले में आप 100 का डालो, इसके अंदर 100 वाले में 50 का डालो, और इसमें 500 के रहने दो, कोई मसला नहीं है। फिर 100 500 50, तो इसी तरीके से क्या होगा 500 50 100 500 100 50। ये 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं। 6 तरीकों से आप 50 100 500 के नोट बॉक्सेस में डाल सकते हो। अब इसमें से डिरेंजमेंट क्या है? डिरेंजमेंट वो है कि जिसमें कोई भी नोट अपने जो ओरिजिनल बॉक्स है ना उसके अंदर ना जाए। वो कौन सी है? वो सबसे पहली ये वाली है। अगर आप इसको देखो, इसमें 100 का नोट 50 वाले बॉक्स में जा रहा है, 500 का नोट 100 वाले में जा रहा है, 50 का नोट 500 में जा रहा है, कोई भी नोट अपने सही जगह पे नहीं जा रहा, ये डिरेंजमेंट है, अपनी नेचुरल पोजीशन से सब हट गए। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला,
500 वाला जा रहा है 50 में, 50 वाला जा रहा है 100 में, 100 वाला जा रहा है 500 में, ये भी डिसेंटमेंट है, बाकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो 50 अपने ओरिजिनल बॉक्स में जा रहे हैं, अच्छा दूसरी वाले में 500 जो है वो अपने ओरिजिनल बॉक्स में जा रहे हैं, इसमें अगर आप देखो तो 100 अपने ओरिजिनल में जा रहे हैं। तो सिर्फ दो डिरेंजमेंट है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ये पूरा कॉन्सेप्ट है डिरेंजमेंट का जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे आप लिखते हो ना फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है, अच्छा डिरेंजमेंट को ना आप सब फैक्टोरियल भी कहते हो, सब SUB फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल डिरेंजमेंट एक ही बात है। फैक्टोरियल का ये होता है ना, तो डिरेंजमेंट का ये होता है कि फैक्टोरियल का सिंबल 3 से पहले लगा लो। इस वाले का मतलब ये कि डिरेंजमेंट निकालो तीन ऑब्जेक्ट्स की, तीन ऑब्जेक्ट नंबर भी हो सकते हैं, तीन ऑब्जेक्ट अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तीन ऑब्जेक्ट जैसे ये वाली एग्जांपल थी 50 के नोट ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट की जो डिरेंजमेंट है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल अच्छा प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आपने 3 फैक्टोरियल तक जाना होता है यहाँ पे, और है क्या इसके नीचे, आप लिख दो 1/0 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइन है 1/0, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, दूसरे के साथ नेगेटिव, फिर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये फॉर्मूला है। अगर आपको 4 की निकालनी होती तो एक्स्ट्रा टर्म आ जाती प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 1/0 तो 1 ही होगा, 1/1 भी 1 होगा, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 होगा, और 1/3 होता है 1/6। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/6 एलसीएम क्या आएगा 6, सॉल्व करो आंसर आएगा 2/6 जो के बराबर होता है 1/3 के। तो पूरी ब्रैकेट का आंसर है 1/3, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 2 आ जाएगा। और आपको पता है 3 की डिरेंजमेंट कितनी होती है, 2 होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 की डिरेंजमेंट निकालना चाह रहे हो, 4 की डिरेंजमेंट में हमें 9 होती है, 4 की डिरेंजमेंट में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल होगा, तो बाहर आंसर होगा 24। इन 4 टर्म का तो आंसर आपको पता है 1/3 होता है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है 1/24, तो 1/3 को ऐड कर दो 1/24 में, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9/24 को जब मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो 9। तो अब 4 चीजें हैं उनकी 9 डिरेंजमेंट बनती है, 4 चीजों की अरेंजमेंट 24 होती है, 24 अरेंजमेंट में से जो 9 है ना वो क्या होंगे डिरेंजमेंट, मतलब वो 4 की 4 चीजें अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं होंगी। तो ये दूसरा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को क्लियर करना था, ये क्लियर हो गया। अब दोबारा आ जाओ मेन टॉपिक हमारा कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पूरा डिस्कस करना है इस लेक्चर में, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में फिर हम फॉर्मूले और बाकी चीजें देख लेंगे। देखो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, जैसे मैं कितना टाइम हुआ हमें, ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए 12 मिनट, जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो तो रीजन होती है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब परमोटेशन से मामला अगर हमारा चल रहा था तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, सही है, हमें जरूरत क्यों पड़ी कम्बिनेशन पढ़ने की, वजह क्या है। तो देखो वजह कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जांपल आप कुछ चीजों की अरेंजमेंट निकाल रहे हो लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जबकि आपको पता है परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, आप 1 2 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, 3 2 1 लिखो, ये सब अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आप 3 1 2 लिखो, 2 1 3 लिखो, कुछ भी लिख दो, आपको इससे क्या कर, आप तो कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सेट के अंदर आपने देखा होगा, सेट के अंदर जब आप सबसेट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4, आपको मैं बोलूं कि 2 एलिमेंट के सबसेट बनाओ इसमें से, तो आप क्या बनाओगे, आप लिखोगे 1 2 या आप लिखोगे 1 3 या लिखोगे 1 4 या 2 3 या लिखोगे 2 4 या आप लिखोगे 3 4, मेरे समय यही बनेंगे 2 के, शायद और भी क्यों बनता हो, खैर तो 6 आपके सामने 2 एलिमेंट्स के सबसेट बन गए, क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, नहीं ऑर्डर मैटर करता, सेट में आप 1 2 लिखो या सेट में आप 2 1 लिखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप सेट में 1 3 लिखो या आप सेट में 3 1 लिखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर आप 1 2 लिखोगे और एक और सेट लिखोगे 2 1, इसका मतलब ये दोनों एक ही सेट है, अगर आप इसको 2 कंसिडर करोगे तो आप गलत पे हो, ठीक है। तो यहां पे रियली ऑर्डर मैटर नहीं करना। अच्छा मैंने बताया था परमुटेशन भी एक सिलेक्शन है, परमुटेशन में आप क्या करते थे, चीजों को सिलेक्ट करते थे, अनलेस अगर आपको सारी चीजों को अरेंज ना करना, फॉर एग्जाम्पल 4 चीजें 4 को अरेंज करना है तो फिर आप डायरेक्ट अरेंज कर दो, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ, लेकिन अगर 4 चीजें उसमें से आपने 3 सेलेक्ट करनी है तो परमुटेशन में भी आप सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन करने के बाद अब अरेंज कर रहे होते हो,
जबकि कॉम्बिनेशन में ये चीज नहीं होती। कॉम्बिनेशन में बस आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, कॉम्बिनेशन में अरेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, आप इसमें सेलेक्ट कर रहे हो भाई 1 2 को सेलेक्ट कर लो, अच्छा भाई 3 4 को सेलेक्ट कर लो कि है 3 4, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, 3 4 लिखो या 4th लिखो ये मैटर नहीं कर रहा, सिलेक्शन आपने क्या किए ये मैटर कर रहा होता है। ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन है ना, खुद आपको बता रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब चीजों की कुछ चीजों को आपने कंबाइन किया है, अब किस ऑर्डर में कंबाइन किया है ये मैटर नहीं करता। तो मैं कभी जनरलाइज वर्ड पढ़ो, जनरलाइज कॉम्बिनेशन तो आप डिफरेंट अरेंजमेंट को भी आप कॉम्बिनेशन बोल देते ना, कि ये वाली अरेंजमेंट भी कॉम्बिनेशन है, ये वाली भी कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश का वर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इसमें कॉम्बिनेशन जब आप बोलोगे ना, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैथ के अंदर इसका ही मतलब है। वैसे आप इसका कहीं मतलब ले लेते हो, लेकिन वैसे अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम वैसे भी नॉर्मल जैसे बोलते कॉम्बिनेशन क्या है, किसी चीज की कॉम्बिनेशन, हालांकि होती अरेंजमेंट है लेकिन हम कॉम्बिनेशन का भी बोल देते हैं उसको, तो मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं भी स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ मैथ के अंदर, डिस्क्रीट मैथ के अंदर जब आप कॉम्बिनेशन का डिस्कस करते हो तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, जस्ट क्या मैटर करती है, सिलेक्शन मैटर कर रही होती है। तो दैट्स वाई आप कॉम्बिनेशन के मेजोरिटी सवालों में देखोगे कि सिलेक्शन का वर्ड होगा, परमोटेशन में इतना सिलेक्शन का वर्ड आपको नजर नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन में लाजमी आपको सिलेक्शन का नजर आ रहा होता है। तो एक तो ये मैंने मेन डिफरेंस आपको बता दिया कि क्यों जरूरत पड़ी आपको कॉम्बिनेशन की। अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूँ, माशाल्लाह क्रिकेट हमारा ऑलमोस्ट नेशनल गेम ही है ना, हॉकी तो बेचारा कोई डिस्कस ही नहीं करता उसको, तो खैर क्रिकेट के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने एक सवाल किया था एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या था कि आपके पास एक 11 खिलाड़ियों की टीम है, उसमें से आपने क्या करना है, आपने एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक विकेट कीपर करना है। तो एक कैप्टन की प्लेस, वाइस कैप्टन की प्लेस और विकेट कीपर की प्लेस। तो अब मैंने कहा था यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले बाबर सेलेक्ट करो, फिर आप शादाब सेलेक्ट करो या फिर आप रिजवान सेलेक्ट करो, ये एक अलग सिलेक्शन है, मतलब आपने किया तो सेलेक्ट इसको, लेकिन अब आप इसको अरेंज भी करोगे और हर अरेंजमेंट अलग होगी। जैसे यहाँ पे हर अरेंजमेंट अलग तो नहीं है ना, 1 4 लिखो या 4 1 लिखो, बात एक ही होगी, यहाँ पे बात एक नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिखो या आप इसको इस तरीके से लिखो, बात अलग है दोनों। इस वाली का मतलब ये कि शादाब कैप्टन है, बाबर वाइस कैप्टन है और रिजवान विकेट कीपर है, एक अलग कंसिडर किया जाएगा, इसका अलग मतलब है पूरा। तो उसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, क्योंकि हर पोजीशन एक खास पोजीशन को शो कर रही है ना, कैप्टन विकेट कीपर और जो भी है वो। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं रिजवान बाबर शादाब को पता नहीं विकेट कीपिंग आती है नहीं आती, खैर अब ये अलग चीज है भाई, रिजवान कैप्टन बन गया, बाबर वाइस कैप्टन बन गया, शादाब विकेट कीपर बन गया, तो हर चीज अलग मानी जाएगी। तो ये वो केस है जिसमें आप परमोटेशन यूज करते हो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट भी करना है और उनको अरेंज भी करना है, हर अरेंजमेंट एक डिफरेंट चीज को शो करेगी। जबकि अगर आप पेज नंबर 238 पे आओगे ना, उसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है, बुक में भी आपको मिल जाएगी, 7.3 में भी ऐसी एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है कि आपके पास 14 खिलाड़ी हैं, उसमें से आपको 11 सेलेक्ट करना है, 14 को छोड़ो 15 कर लेते हैं, नॉर्मली 15 होते ना, उसमें से आप 11 खिला रहे होते हो, तो 15 खिलाड़ी है उसमें से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, क्या यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट मैटर करेगी, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 11 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम एक T20 की टीम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनको, तो हम सबसे पहले रखते हैं ना, ये भाई आ गया बाबर, फिर हमने रख लिया रिजवान को, ये तो बेस्ट हो गया। 1 नॉन पे हम भेजे थे भाई फखर को, अच्छा खेल लेता है। सेकंड नॉन पे किसको भेजे, हफीज तो रिटायर हो गया, मलिक तो खिला नहीं रहे उसको। सेकंड नॉन फॉर एग्जाम्पल हम भेज देते हैं, किसको भेजे सेकंड डाउन पे हम भेजते हैं कोई तगड़ा खिलाड़ी, हाँ उसको भेज देते हैं, हारिस को भेज, नहीं हारिस कह रहा हूँ, क्या नाम था यार उसका, हैदर अली, फॉर एग्जाम्पल हैदर अली को मैं भेज दिया, ये 4th पे आ गया। अच्छा 5th पे फॉर एग्जाम्पल हम भेज देते हैं आसिफ अली को, खेलना नहीं आता लेकिन अब क्या है, मतलब कुछ तो खेल ही लेगा, ये वर्ल्ड कप में खेल गया तो खेल लेगा। अच्छा उसके बाद ये एक और बैटमैन हिटर कर लेते हैं हम, खुशदिल कर लेते हैं, खुशदिल अच्छा खेल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 खिलाड़ी हो गए। अब हम जरा थोड़ा ऑलराउंडर पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादाब को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद इमाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस बेचारे को पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, 6 ये 8 हो गए। अब हमारे पास 3 हमने बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो भाई शाहीन तो आएगा, हसन को भी कर लेते हैं, कल चलता नहीं है लेकिन ऑलराउंडर में भी आ ही जाता है तकरीबन, और फिर हम एक हारिस रऊफ को कर लेते हैं। अब 15 खिलाड़ी थे, 15 खिलाड़ी में से आपने 11 की टीम बना दी है, आपने 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करनी है। अब ये आपने 15 में से 11 सेलेक्ट कर लिए, क्या इनकी अरेंजमेंट आपस में मैटर करेगी, मतलब एक सिलेक्शन आपने इस तरीके से किया, अगर मैं इनको अरेंज करूं तो क्या वाकई मतलब डिफरेंट बन रहा है, जैसे यहां पे मतलब डिफरेंट बन रहा था सेलेक्ट करने के बाद, जब मैं अरेंज कर रहा था तो मतलब डिफरेंट बन रहे थे यहां पे,
क्या यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट करेगी? फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह सेलेक्ट करूं कि रिजवान बाबर, क्या ये वाकई मैटर कर रहा है? अनलेस देखो इस सवाल में मैंने पोजीशन बताई नहीं ना कि ये पहली पोजीशन पे, दूसरी ये वन डाउन पे, ये पोजीशन नहीं आपको बताई जा रही, आपको जैसे ये बोला जा रहा है, ये तो मैंने अपनी टीम बनाने के चक्कर में आपको बोला, आपको जैसे बोला जा रहा है 11 सेलेक्ट करने हैं आपने, कोई पोजीशन नहीं है कि 11 में से जो पहला होगा वो कैप्टन बनाओगे या पहला जो है वो ओपनर ही भेजोगे आप या दूसरा सेलेक्ट करोगे वो भी ओपनर ही होगा, ऐसा कोई शर्त नहीं है। जस्ट आपको बोला है कि 15 में से 11 को सेलेक्ट करो, तो अब सिलेक्शन मैटर नहीं करेगी। आप पहले बाबर को सेलेक्ट कर रहे हो, फिर आप रिजवान को सेलेक्ट कर रहे हो और बाकी को कर रहे हो, ये चीज सेम है, या पहले आप रिजवान को कर लो फिर बाबर को कर लो, ये एक ही बात है। क्योंकि असल चीज मैटर क्या करती है, 15 में से 11 आपने कौन से सेलेक्ट किए हैं, सिलेक्शन मैटर कर रही है, अरेंजमेंट उनकी मैटर नहीं करेगी। कोई पोजीशन नहीं है, बेशक बाबर को आप 11वें नंबर पर सेलेक्ट कर लो, क्या मैटर कर रहा है यहां पे? नहीं, असल चीज मैटर क्या कर रही है, 11 खिलाड़ी में बाबर है, बस खत्म होगी बात, अरेंजमेंट यहां पे मैटर नहीं कर रही। जबकि यहां पे हर पोजीशन मैटर कर रही थी, पहली पे करोगे तो वो कैप्टन होगा, दूसरी पे करोगे होगा। तो इस वाले सिचुएशन में आप देखो यहां कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, क्योंकि यहां पे जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, आपको ऑर्डर नहीं बताया जा रहा कि किस ऑर्डर में आपको करना है। तो ये हमें बेस्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन की, जो आपको क्लियर करेगी कि यार किसी सिचुएशन में ऑर्डर अरेंजमेंट मैटर कर रही है, किसी सिचुएशन में जस्ट सेलेक्ट कर लो 11 खिलाड़ी को, आपको कोई बताया हुआ नहीं है, अनलेस आपको बोल दें कि यार पहली पोजीशन शुरू की 2 पोजीशन ओपनर को कर रही है, तीसरी जो है 1 डाउन है, चौथी, तो इसका फिर अलग हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आप ऑर्डर शफल करोगे, बाबर को तीसरे में लाओगे, तो इसका मतलब अलग है कि बाबर 1 डाउन खेल रहा है ऐसा, लेकिन इतना मुश्किल कर नहीं रहे हो, जस्ट आपको बोल रहे हैं आप सेलेक्ट करो। तो यहां पे ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर रहा होगा, आप किसी भी ऑर्डर में उनको सेलेक्ट कर लो। बस असल चीज क्या है, 11 जो खिलाड़ी है ना वो एक सिलेक्शन होगी, उसमें से अगर एक खिलाड़ी को निकाल दो, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं मुझे खुशदिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इफ्तिखार भाई चाहिए, अब ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपने अब जो 11 खिलाड़ी चूज किया वो डिफरेंट है पहले वाले से, पहले 11 खिलाड़ी ये नहीं थे, ये नहीं था पहले, यहां पे इसको निकाल के आपने दूसरा डाला है, अब ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करेगा। तो यहां पे कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन मैटर करती है कि आपने सेलेक्ट किन किन को किया, ऑर्डर कुछ भी हो भाई, हमें क्या इससे लेना देना है, सेलेक्ट जो किया वो मैटर कर रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने पिन की एग्जाम्पल एक देखी थी, जो आपने एक पिन देखा था कि अगर आपके पास टोटल 10 डिजिट होते हैं मैथ के अंदर, आपको मैं बोलूं कि 4 डिजिट का पिन बनाओ, तो आपने बोला था सर कोई भी 10 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 9 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 8 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 7 आ सकते हैं। अगेन देखो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं परमोटेशन, तो मैं रिपीटेशन नहीं कंसीडर कर रहा, परमोटेशन में कोई रिपीटेशन नहीं है। तो परमोटेशन इसकी कितनी बनेगी, परमोटेशन का फॉर्मूला इस तरह भी आप निकाल सकते हो, 10p4 जहां आप इस तरह लिखो, एक ही बात है, कोई ना कोई इसका आंसर आ रहा होगा। अब ये जो आंसर आ रहे होंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे, उसमें कुछ ये भी वेज होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 4093, ये पिन बिल्कुल होगा ना इसके अंदर, कोई रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर, तो एक परमोटेशन है, एक अरेंजमेंट है, 4 डिजिट का पिन बना दिया आपने, तो जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे उसमें एक ये भी इंक्लूड होगा, और सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होगा, इस टाइप के 23 और भी होंगे, मतलब इसको आप अरेंज कर सकते हो ना, आप इसको 4093, आप इसको 4039 कर सकते हो, आप इसको 4903 कर सकते हो, फिर आप इसको 4930 कर सकते हो, फिर आप 4390 कर सकते हो, मतलब ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग डिजिट 4 है, फिर स्टार्टिंग डिजिट 3 करो आप, करते करते सिर्फ इन 4 को आप 24 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही, पिन सेम ही है, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं, कभी फोर्सफुली आपको बोल दिया जाए कि कॉम्बिनेशन का सवाल बना दो, फोर्सफुली कैसे बताएंगे, बोलेंगे भाई यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप 4039 लिखो, आप 4903 लिखो, आप 4930 लिखो, मैटर नहीं कर रहा। अब यहां पे नेचुरल अगर आप बात करो तो मैटर करता है, ये सब अलग अलग पेन है, लेकिन फोर्सफुली अगर आपको बता दें कि यार मैटर नहीं कर रहा, तो अब वो सवाल भी कॉम्बिनेशन का बन गया, जब उन्होंने फोर्सफुली आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब ये जो 24 बनेंगी ये 24 परमोटेशन नहीं होंगी, ये एक ही परमोटेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 24 परमोटेशन जो है जिसमें अलग किस्म की अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं कर रही, कॉम्बिनेशन एक ही है। क्यों? क्योंकि 24 के अंदर जो 4 चीजें सेलेक्ट हुई नहीं है वो 4093 है। सिलेक्शन असल मैटर करती है कि कौन कौन से डिजिट आपने इन 24 में सेलेक्ट किए हैं, 24 में आपने 4 डिजिट सेलेक्ट किए हैं, तो कॉम्बिनेशन एक ही मानी जाएगी। अरेंजमेंट ज्यादा है तो परमोटेशन 24 आप कह रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही मानी जाएगी। तो ये मैंने बता दिया फोर्सफुली आपको बोल दें, मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मेन मेन कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो जाए, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा। इसी तरीके अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं, अब ये नेचुरल परमोटेशन का सवाल है, नेचुरली अगर आप बात करो ऑर्डर मैटर कर रहा है, नेचुरली फोर्सफुली आपको कर दिया।
अच्छा कुछ और नेचुरल सवाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रेस हो रही है 10 घोड़े, मैं वीडियो क्लिप भी देख रहा था एक घोड़ों की, पाकिस्तान का घोड़ा कुछ जीत गया था, एंड पे था, एंड से पहले पे आ गया था, तो वही एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि 10 घोड़े और जीतने की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं, पहली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। तो अब अगेन ये प्रमोटेशन का केस है कि तीन पोजीशन है, पहली रिप्रेजेंट करिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। अब कोई भी 10 घोड़े पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोड़ा नंबर 1 आ गया पहली पोजीशन पे, तो घोड़ा नंबर 1 का मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको H1 कह देते हैं। H1 का मतलब ये नहीं कि हॉर्स जो पहले नंबर पे आया, ये मैंने नाम दिया हुआ हॉर्स को, हॉर्स का नाम है H1, ठीक है। दूसरे नंबर पे फॉर एग्जाम्पल H3 आ गया, H3 का मतलब घोड़ा है जिसका मैंने नाम H3 दिया हुआ, वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो पहली प्लेस पे कोई भी 10 आ सकते हैं जो इस प्लेस पे आया, अब कोई भी 9 आ सकते हैं, अब कोई भी 8 आ सकते हैं, और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसमें रिपीटेशन तो हो भी नहीं सकती, परमोटेशन का प्योर सवाल है। तो 10, 9, 8 ये चॉइस हो सकती है घोड़ों के जीतने की। फॉर एग्जाम्पल H1, H3 और H10, ये पहली पोजीशन पे आ गया, ये दूसरी पोजीशन पे आ गया, ये तीसरी पोजीशन पे आ गया। अब यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं इसको H3, H1 और H10 लिख दूं, अब ये डिफरेंट बात है, इसका मतलब क्या है कि पहली पोजीशन पे H3 है, दूसरी पे H1 है, तीसरी पे H10 है। अगर मैं और मजीद ऑर्डर चेंज कर दूं मतलब अलग हो जाएगा। तो अब ये वो सवाल है जो नेचुरली परमोटेशन का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है आपको, ये जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट, इसको जहन में रखोगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, अनलेस आपको रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए, वरना हर सवाल नेचुरली आपको बता रहा होगा कि वो किसके अंदर लाइक कर रहा है, किसके अंदर फॉल कर रहा है वो। तो दिखने में आपको लग रहा है जहां पोजीशन इन्वॉल्व हो जाती है ना, जैसे ये पोजीशन थी, ये पोजीशन थी, यहां पे प्रमोटेशन बन जाता है। और जहां पे जस्ट सिलेक्शन इन्वॉल्व है कि 11 को सिलेक्ट कर लो, किसी भी ऑर्डर में कर लो, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 में आना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर बैठा हुआ है, अगर वो 11 खिलाड़ी में आ गया, बस उसको थोड़ा ना मैटर करता कि यार मैं किस ऑर्डर पे आ रहा हूं, तो बात की बात है, असल चीज है सिलेक्ट कौन सा करना है। अगर उस सिलेक्शन में तुम आ गए हो, दैट्स इट। अब किस ऑर्डर में आपको सेलेक्ट किया, आखिरी नंबर पे किया, पहले पे किया, वो मैटर नहीं करता। तो ये हॉर्स वाली एग्जांपल है, इसको भी आप